पूर्णिया में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी और एसपी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा कोविड 19 नियमों का पालन करने के लिए इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। साथ ही जिले में कुल 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 105 है, जो पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। वह एसपी ने बताया कि कोरोना के रोकथाम के लिए भीड़भाड़ वाले इलाके में कोविड 19 को लेकर लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो केसेज आ रहे हैं उनकी संख्या भी अधिक है, और जो रफ्तार है, जिस गति से केसेज मिल रहे हैं, वो गति भी काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। आज की तिथि में अपने जिले में 103 केस हैं जो एक्टिव हैं। जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जितने भी ऐसे एरिया हैं जहां पर डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पर बस स्टैंड हो गए, ऑटो स्टैंड हो गए, इन सब जगहों पर